नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं, रुबिका लियाकत। कल हमने आपसे वादा किया था कि मास्टर स्ट्रोक एक नए अंदाज में आपके सामने होगा। लीजिए, स्टूडियो से बाहर हम हाजिर हैं और आज देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें यहीं से, जहां पर बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप जानते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त सर्दी का सितम है, सर्दी से जुड़ी खबर होगी, लेकिन मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी नमाज, वो खबर जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है सेक्टर 58 में नमाज नहीं पढ़ने को लेकर एसएचओ के आदेश ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। आज जुमा था, 58 में सेक्टर 58 के उस पार्क में नमाज नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि पुलिस की मौजूदगी थी और परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके जवाब में दूसरे कई जगहों पर खुले में बगैर इजाजत के नमाज पढ़ी गई। और उधर एक पार्क में भागवत कथा को लेकर भी हंगामा हो गया। पहली तस्वीर में नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में पुलिस बल तैनात है ताकि खुले में नमाज न पढ़ी जा सके, और दूसरी तस्वीर बिना इजाजत भागवत कथा आयोजन करने पर अथॉरिटी के पंडाल उखाड़ने की है। इसी बीच एक तीसरी तस्वीर भी है जो नोएडा के सेक्टर 64 और 65 की है, जहां बिना इजाजत लोगों ने खुले में नमाज पढ़ी। नोएडा में नमाज पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले नोएडा सेक्टर 58 के एसएचओ ने बड़ी बड़ी कंपनियों को चिट्ठी भेजकर कहा था कि अगर उनके मुस्लिम कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ते हैं या दूसरी किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा लेते हैं तो कंपनियों को इसके लिए दोषी माना जाएगा। नोएडा पुलिस ने दलील दी थी कि चुनावी माहौल में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। नोएडा पुलिस के इस फरमान के बाद आज पहला शुक्रवार है, यानी जुमे का दिन। सेक्टर 58 के पार्क में तो सुरक्षा के कारण नमाज नहीं पढ़ी गई। नोएडा के पार्क में नमाज पर मनाही के बाद काफी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 58 के उसी पार्क में मौजूद हूं जहां कुछ दिनों पहले नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन के तौर पर पुलिस को तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं जो कि निगरानी कर रहे हैं। कोई भी शख्स अगर यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसे मना किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि आदेश है कि यहाँ पे नमाज जो है वो अब नहीं पढ़ी जाएगी। नोएडा प्रशासन के इसी आदेश पर मुस्लिम समुदाय का एतराज है। ऐसा नहीं है कि एतराज सिर्फ आज ही जताया गया, ऐसा आज हुआ, ऐसा कल भी हुआ, जब प्रशासन के विरोध में बिना इजाजत लोगों ने नोएडा के पार्कों में नमाज पढ़ी। अब कुछ 48 घंटे पीछे चले, 26 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में बगैर परमिशन के भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, तो प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर भागवत कथा के पंडाल को ध्वस्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया। अथॉरिटी वाले आए हैं और वो टेंट वेंट से उखाड़ गए हैं। सब महिलाएं परेशान हो रही हैं और ये जो लोग हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रही है कौन सी राजनीति चल रही है कि भाई यहाँ पे पूजा नहीं होगी, यहाँ पे वो नहीं होगा। और ठीक है, परमिशन भी हम लेने जा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए परमिशन, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब इसको लेकर राजनीति भी गरमा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये फैसला सही है। किन धार्मिक गतिविधियों को यदि आप निरंतरता के साथ सार्वजनिक स्थान पर करेंगे तो उसका खतरा एक विवाद में है और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए ही ऐसा निर्णय लिया गया है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका उन्होंने इस प्रदेश में अशांति का वातावरण पैदा किया है। बहरहाल जरूरी यह है कि इस मुद्दे को सियासी न बनाते हुए शांति और संयम से निपटाया जाए, कहीं ऐसा न हो कि चुनावी मौसम में ये छोटी सी चिंगारी किसी बड़े हंगामे को हवा दे दे। नमाज विवाद में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। कांग्रेस ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप इन लोगों पर तो बैन नहीं लगाते जो संघ की शाखा अलग अलग पाकों में चलाते हैं, नमाज पर तो आपने बैन लगा दिया है, अब संघ की एंट्री हुई है तो विवाद तो होना ही था। 2019 के लिए दरअसल सब यहां पर अपनी अपनी तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे इस राजनीतिक पहलू को सांप्रदायिक रंग की तरह, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? आम जनता को। तो ये संघ वाला विवाद क्या है वो देखिए आप। पहले कांग्रेस नेता संपूर्णानंद की बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान रहता है वो हमेशा ऐसी चीजों को उठाने में रहता है जिससे वो ये साबित कर सके कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं
और उसके विपरीत वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनका संविधान कानून में विश्वास नहीं है। इस संदर्भ में हमने डीजीपी को पत्र लिखा। अब उनके लेटर को भी देख लीजिए जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में चलने वाली संघ शाखाओं पर बैन की मांग की है। लेटर में यह भी लिखा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर से बातचीत के बाद वो चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं कि अगर धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन हो तो सभी पर लागू हो। ये जरूर कहूंगा, सार्वजनिक स्थल पर अगर रोक हो तो सभी धर्म, सभी जातियों, सभी कार्यक्रम के लिए हो, और नहीं हो तो सबके लिए हो। तो ये एक इन्वर्सल होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम करे तो उसकी अनुमति। डीजीपी को लिखी यूपी कांग्रेस की चिट्ठी का जवाब अभी तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया। किन धार्मिक गतिविधियों को यदि आप निरंतरता के साथ सार्वजनिक स्थान पर करेंगे तो उसका खतरा एक विवाद में है, और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए ही ऐसा निर्णय लिया गया है। दरअसल संघ की शाखाएं भी पिछले 5 सालों में काफी बढ़ी हैं। मोदी सरकार के आने के बाद संघ की शाखाओं में 217% का इजाफा हुआ है। 2014 में संघ की 2001 शाखाएं बढ़ी थी। 2015 में सबसे ज्यादा 6,350 शाखाएं बढ़ी। इसके बाद 2016 में 5,237 और 2017 में 664 शाखाएं बढ़ी। 2018 में अब तक संघ की कुल 1,734 शाखाएं बढ़ चुकी हैं। 2014 में 29,624 शाखाएं देश भर में थी, जो अब बढ़कर 58,967 के करीब हो गई हैं। योगी सरकार आने के बाद यूपी में भी संघ की शाखाएं खूब बढ़ी हैं, लेकिन सवाल संघ की शाखाओं के बढ़ने घटने का नहीं, कांग्रेस की नई मांग का है, क्योंकि मोदी योगी के होते हुए संघ की शाखाओं पर किसी भी तरह की पाबंदी नामुमकिन है। अलबत्ता कांग्रेस इस विवाद के आसरे उन लोगों को साधने की कोशिश जरूर कर सकती है जो संघ विरोधी है। कर्ज माफी को चुनाव जीतने का हिट फॉर्मूला बना चुकी कांग्रेस ने बीजेपी के लिए चुनावी मुश्किलें पैदा कर दी, और यही वजह है, सूत्र हमें बता रहे हैं, कि 2019 के लिए उन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए किसानों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, और उन विकल्पों पर भी पूरी तरीके से मंथन चल रहा है कि किसानों को किस तरीके से खुश किया जा सकता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है। यानी 2019 में किसान केंद्र में रहने वाले हैं एक मुद्दे के तौर पर। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे, जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। किसानों की कर्ज माफी का दांव चलकर 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में मोदी सरकार को खुली चुनौती दी थी। कांग्रेस ये मान चुकी है कि कर्ज माफी वो रामबाण है जिससे एक झटके में ही किसानों के वोट हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार 2019 से पहले किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 3-4 विकल्पों पर विचार चल रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है एमपी की भावांतर योजना के तर्ज पर एमएसपी और बिक्री मूल्य के अंतर को सीधे किसानों के खाते में भेजना, जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं उनका ब्याज माफ करना, तेलंगाना और झारखंड की तर्ज पर किसानों को फसलों की बुआई से पहले सहायता के तौर पर तय रकम देना, छोटे किसानों को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के लिए आर्थिक मदद देना। इनके साथ किसानों की कर्ज माफी का भी विकल्प है, लेकिन फिलहाल सरकार इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पर सीधा हमला कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा फोंको। पंजाब चुनाव के पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया। हालांकि बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का कार्ड खेल चुकी है, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारा 1,00,000 रुपया माफ हुआ तो वापस कर दिया, क्या माफ नहीं किया। हमारा लोन हुआ माफ 90,117 रुपए, फिर हुआ हम पे बढ़ के इस समय 91,814 रुपए हो गए हैं, सरकार ने पैसा वापस ले लिया। फिर हमने लौट लगाई, लौट लगाने के बाद दोबारा निकालने पैसा का तो उन्होंने मना कर दिया। क्या कह दिया? बोले कि माफी में नहीं आए हो, पैसा वापस जाएगा जी।
पिछले चार सालों में देश के 10 राज्यों में कर्ज माफी का ऐलान हुआ है। 2009 में देश भर के किसानों का 52,000 करोड़ का कर्ज माफ करना कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण माना गया था और अब 3 राज्यों की जीत के बाद कांग्रेस इसे 2019 में भी अपनी जीत का मंत्र मान रही है तो बीजेपी इसकी काट ढूंढने में लग गई है। और अब मास्टर स्ट्रोक तलाक-ए-बिद्दत पर। तलाक-ए-बिद्दत को अपराध बनाने का बिल लोकसभा में तो पास हो गया है लेकिन एक बार फिर से राज्यसभा में इसके अटकने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि विपक्ष राज्यसभा में भी जैसा उसने लोकसभा में किया था ये मांग उठाएगा कि सेलेक्ट कमिटी में इसे भेजा जाए और इसके लिए बकायदा 31 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है और इस बीच आजम खान ने भी एक बयान दे दिया है इस पर। जो लोग मुसलमान हैं और जो कुरान को मानते हैं हदीस को मानते हैं वो ये जानते हैं कि तलाक का पूरा प्रोसीजर कुरान में दिया हुआ है। हमारे लिए कुरान के उस प्रोसीजर के अलावा कोई भी कानून मान्य नहीं है। जो कुरान कहता है अगर उसके तहत कोई तलाक नहीं देता खुला नहीं देता तो वो न तलाक है ना खुला है, लिहाजा ये बहस की बात ही नहीं। सिर्फ कुरान का कानून बस और कोई हिंदुस्तानी पूरे दुनिया के मुसलमानों को कोई कानून मानने नहीं है एक्सेप्ट कुरान। 3 तलाक पर चल रही बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। देखिए कुछ लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा जहरीला कम्युनल है तो इसलिए हमें उस पर कुछ कहना नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार 3 तलाक बिल के जरिए खुद को मुस्लिम महिलाओं के हक का हिमायती बताने में लगी हुई है तो कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों को चिंता है कि कहीं इस वजह से मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से न निकल जाए। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता आजम खान के विवादित बयान का भी विरोध नहीं कर पा रहे। बहुत साफ कहा गया है, देखिए एक बहुत ये है कि धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। हम मुल्क का कानून तोड़े बगैर कोई समाज कैसे रहता है अपने अंदर, ये उस समाज को फैसला करना चाहिए और सुधार उस समाज से की तरफ से ही अगर हो तो हो। दरअसल दोनों ही पार्टियां 3 तलाक के मुद्दे को चुनावी चश्मे से देख रही हैं। यही वजह है कि कल जब लोकसभा में बहस हो रही थी तो व्हिप जारी होने के बावजूद बीजेपी के कई सांसद सदन में नहीं आए, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी बहस के दौरान मौजूद नहीं थे। वहीं बिल को लेकर तमाम चिंताएं जाहिर करने वाली कांग्रेस का हाल ये है कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उस पर ध्यान देने की बजाय बातें करते नजर आ रहे थे। फिलहाल विपक्ष के रुख से साफ है कि राज्यसभा में ये बिल फिर लटक सकता है। मैं समझता हूं कि राज्यसभा में फिर ये मामला उठेगा और तमाम विपक्ष इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सरकार को बाध्य करेगा क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। 3 तलाक बिल पहले भी 2 बार लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में पास न हो पाने के कारण मोदी सरकार को इसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा। अब अगर इस सत्र में ये बिल पास नहीं हो पाता है तो सरकार को 2 बार अध्यादेश लाना पड़ेगा। और अब जो खबर मास्टर स्ट्रोक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो परेशान करने वाली खबर है क्योंकि मुंबई में अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया है और पता है आपको ये ड्रग्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर इंटरनेशनल मार्केट में बन गया है? अगर ऐसा है तो फिर हमारी तैयारियां क्या है इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा 80 और 90 के दशक में मेक्सिको में हुआ करता था, गलियों में सड़कों पर खून खराबा ड्रग्स को लेकर, वही हिंदुस्तान में होगा। क्या हिंदुस्तान बनता जा रहा है नशे का नया मेक्सिको? क्या दुनिया भर में नशे का ड्रग्स भारत से सप्लाई हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुंबई में ड्रग्स का 1,000 करोड़ रुपए का जखीरा पकड़ा गया है और ये ड्रग्स अमेरिका समेत कई देशों में भेजा जाना था। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने 100 किलो फेंटानिल पकड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 किलो फेंटानिल की कीमत 10 करोड़ है। ये ड्रग्स दुनिया के कई देशों में बैन है। एंटी नारकोटिक सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए जिसमें सलीम इस्माइल ढाला, चंद्रमणि तिवारी, संदीप तिवारी और धनश्याम सरोज, ये 4 नाम
पुलिस की तरफ से सामने किए गए हैं। 25 किलो के जो ड्रम थे उन ड्रम्स को पुलिस ने बरामद किया। अब सभी ड्रग्स जो है उसके सीजर करके पंचनामा करके उसे FSL लैब भेजा गया है। फेंटैलिन नाम के इस ड्रग्स की अमेरिका मैक्सिको जैसे देशों में बड़ी डिमांड होती है। ये बेहद खतरनाक ड्रग्स जिसे गलत मात्रा में लिया जाए तो मौत तक हो जाती है। इसका बैकवर्ड लिंक है कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, इसको बनाया किसने है, तो इसके तरफ से एक अनुसंधान जारी रखना, तो उस दोनों फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं इस केस पर। दरअसल 80 और 90 के दशक में मैक्सिको से पूरी दुनिया में कोकेन हेरोइन जैसे ड्रग्स सप्लाई होते थे। इतनी बड़ी मात्रा में भारत में ड्रग्स के जखीरे का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े करता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि दो एस्पेक्ट यहाँ पे दिए हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो इस फेंटानिल ड्रग्स का फॉरवर्ड लिंक में, यहाँ से अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा था मैक्सिको में, उसके बाद वो कहाँ जा रहा था और मेक्सिको में इसको कौन परचेस करने वाला था और वहां से कौन सा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा था। देश की औद्योगिक राजधानी में ड्रग्स का कारोबार जोरों पर है। नए साल की पार्टियों के लिए बड़े पैमाने पर ड्रग्स लाए और बेचे जा रहे हैं। ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने में मुंबई पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे 14 नाइजीरियन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुल मिला के 3.5 लाख के अबाउट हमने कैश सीज किया है। फिर से हमें कोकेन इसमें मिला है, करीब 58 ग्राम, 59 ग्राम हमें कोकेन मिला है। पुलिस को 14 नाइजीरियन के पास 21 लाख के ड्रग्स मिले हैं, साथ ही एक पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद हुए। जांच में पता चला कि ये लोग ड्रग्स ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर बेच रहे थे। ये सभी लोग बांग्लादेश के रास्ते भारत आए हैं। नए साल के मौके पर सबसे ज्यादा महंगे ड्रग्स जैसे कोकीन, ब्राउन शुगर की मांग ज्यादा होती है। एक तरफ ड्रग्स रैकेट चलाने वाले जहां सोशल मीडिया पर अपने ग्राहक तलाश कर ऑनलाइन ड्रग्स बेच रहे हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी नए साल का आयोजन करने वाले आयोजकों के प्रोफाइल और उनके इनवाइट पर पैनी नजर रखी हुई है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। और अब खबर NIA के उस मास्टर स्ट्रोक की जो उसने 10 आतंकियों को धर दबोचने की बात लगाया है। आतंकियों की नींद उड़ गई है, लेकिन सियासत भी अब शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती इसे चुनावी साल में की गई कार्रवाई बता रही है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि NIA ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। NIA पुख्ता खुलासा कर रही है, ये कह रही है कि ये जो 10 आतंकवादी पकड़े गए हैं ये ISIS के मॉड्यूल पर नहीं काम कर रहे थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहे पर काम कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आतंकवादी संगठन है इससे जोड़ने के लिए, मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने के लिए उधर पाकिस्तान में बकायदा एक कॉल सेंटर चल रहा था। और आपको पता है आतंकी इस फैक्ट्री का नाम ISI ने ऑपरेशन उबर दिया था। NIA के हत्थे चढ़े 10 संदिग्ध समझ रहे थे कि वो ISI के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की जांच में कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि ISIS के नाम पर ये पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है, जिसने एक पाकिस्तानी को ISIS का कथित तौर पर एशिया प्रभारी बनाया हुआ है, साथ ही भारतीय युवाओं को गुमराह करने के लिए कॉल सेंटर भी खोला हुआ है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। जी हाँ, ISI पूरी साजिश के साथ भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसा रही है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही किसी वेबसाइट पर कोई भारत विरोधी पोस्ट लगती है तो कई लोग उस पर भारत विरोधी कमेंट भी करते हैं। भारत विरोधी कमेंट करने वाले लोग ISI के संभावित रिक्रूट होते हैं। पाकिस्तान का कॉल सेंटर ऐसी पोस्ट करने वालों की पूरी कुंडली देखता है। फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए उनके परिवार और दोस्तों की जनपत्री भी खंगाली जाती है। जब ये तय हो जाता है कि संभावित आतंकी इस्लाम के नाम पर कुर्बानी के लिए तैयार है तो उससे सोशल मीडिया पर बात होती है, फिर टेलीग्राम समेत ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात होती है जिन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिहाद करने वाले शख्स से ISIS के नाम पर बातचीत की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसके दिमाग को और ज्यादा भड़काने के लिए धर्म गुरु के नाम पर साइकोलॉजिस्ट से बात कराई जाती है। इसके बाद शिकार जब फंस जाता है तो जैसा काम चाहता है वैसा काम उसे बता दिया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इसे ऑपरेशन उबर का नाम दिया है। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन उबर का मतलब है यदि कोई सामने आकर बम धमाका करने को तैयार नहीं है
लेकिन पैसे या हथियार मुहैया करा सकता है तो उसे मुहैया करा दे, और जो एक्टिव होकर लड़ना चाहता है वो फील्ड में काम करे। जिन 10 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है उनमें भी ऐसे लोग शामिल हैं जो सीधे लड़ना नहीं चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ऐसे एजेंटों को तैयार करने में आईएसआई 4 से 6 महीने लगाती है, और पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही दांव खेला जाता है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और, यानी नाम बदनाम हो आईएसआईएस का और काम बने पाकिस्तान का। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ठंड बहुत ज्यादा है, और जैसा हमने आपको बताया था कि ठंड से जुड़ी खबर आपको जरूर दिखाने वाले हैं। देखिए, साल का अंत और सर्दी चरम पर है पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं या फिर मैदानी इलाका हो, बहुत ठंड है। लोगों को ठंड सता भी रही है, पर्यटकों को ठंड लुभा भी रही है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, और ये पारा कहां तक लुढ़केगा ये भी जान लीजिए। इस वक्त हम डल पर मौजूद हैं। जितना तापमान माइनस में जाता है डल पर उसका असर उतना ही ज्यादा दिखता है। यहाँ पर आप डल लेक देखेंगे, पूरी तरह से जम गई है। देखा है, इतना ज्यादा यहाँ ठंड है और ये शीशे जैसी जम गई है। बहुत अच्छा लगा, मतलब कैसे नेचर बर्फ को कैसे हम देखते हैं कि जम जाती है। कश्मीर में कुदरत की खूबसूरती का बेहद अनमोल नजारा आपको दिखाते हैं। पेड़ पर आप देखिए किस तरीके से जो बर्फ है वो जमा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डायमंड लग रहे हैं, और हमें लग रहा है ऐसे कुछ हम पहन के जाएं बहुत खूबसूरत लगेगा। और इतना खूबसूरत नजारा लग रहा है, मुझे मजा आ गया देख के, एकदम गाड़ी को रुकवाया और मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, पॉप फीलिंग, बहुत मजा आ रहा है। टू गुड, प्लीज कम एंड एंजॉय इट, इज टू गुड। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।